हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिवाही क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 1.1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -4/5 × 1 = -4/5 = -4/5। तो -4/5 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 में -4/5 से मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट वही आया। तो 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट वही नंबर आता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट वन में क्या आ गया, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। सेकंड वन देखिए, -13/17 × -2/7, देन -2/7 × -13/17। नंबर को चेंज कर दिया गया, a (b) = b (a), इट मींस कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन कौन सा यूज किया गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, कम्यूटेटिव रूल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, -19/29 × -19। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया गया, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 19 और 29 ये देखो -19/29, देन इसी का रेसिप्रोकल कर दिया गया 29/-19, दैट इज ये क्या हो गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। प्रॉपर्टी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।